A mass small m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when. तो वायर कहां पर ब्रेक हो सकता है ये हमें पूछा है. पार्टिकल जो है वायर से अटैच्ड है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये सेंटर है और ऐसे हम घुमा रहे हैं ऐसे वायर को, ये हो गया क्लॉक और ये हो गया एंटी क्लॉक. तो ये हो गया लोएस्ट पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे घूम रहा है कंटिन्यूअसली. अभी हमारे पास ना टेंशन एट एनी पॉइंट के लिए फॉर्मूला है. अभी आप बोलोगे सर क्या क्या पता किधर भी टूट सकता है. नहीं, एक स्पेसिफिक रिलेशन है फिजिक्स में कि टेंशन एट एनी पॉइंट इज एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा. दिस इज वी सी एम में टेंशन एट एनी पॉइंट. जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. टेंशन एट एनी पॉइंट इज एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा. तो बात करें लोएस्ट की तो थीटा होता है जीरो, कॉस जीरो वन, तो टेंशन हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी. बात करें मिड पॉइंट की सो थीटा होता है 90, कॉस 90 हो जाएगा जीरो, सो टेंशन कितना बचेगा एम वी स्क्वायर बाय आर. और अगर बात करें हाईएस्ट पॉइंट की तो थीटा कितना होता है 180, तो थीटा को 180 सब्स्टिट्यूट करोगे कॉस 180 माइनस वन, सो ये पूरा माइनस हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी. मतलब आंसर आएगा ये क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन ये है, तो जिधर सबसे ज्यादा टेंशन होगा वहीं पर ही वायर का ब्रेक होने का शक्यता ज्यादा है, वहीं पर ही वायर के ब्रेक होने की शक्यता ज्यादा है. सो वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट लोएस्ट पोजिशन. समझे, तो ऑप्शन कौन सा दिया है, ये ऑप्शन थ्री आएगा. द मास इज एट लोएस्ट पोजिशन, वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, तो इसमें थ्री आएगा. अभी आप बोलोगे सर इतना टाइम क्यों लगा है, ये ना मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, या तो आप सॉल्व नहीं कर रहे कि 10-15 सेकंड में सॉल्व हो गया. ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हो जाएगा 5-7-10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा. ऑप्शन को देखा, सॉल्व किया और टिक किया. लेकिन जिसको नहीं पता और या तो मैं मुझे समझाना है तो समय देना पड़ेगा ना कि ये ऐसा है, ये क्वेश्चन तो निकल गया चलो ऑप्शन नंबर थ्री, लेकिन उसके साथ जो एडिशनल कंसेप्ट है वो भी क्लियर होते जाने चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे. तो ऐसे ऐसे करके पूरे पेपर में सारा कंसेप्ट अगर जोड़ दिया तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं.